Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to teach you rearrangement of sentences. This is my sixth video. Hope you would have liked my videos and thanks for clicking on this video. So, you see there are six sentences. The first one, S1 is the first one and S6 is the sixth sentence. There are four sentences in between, which are in a jumbled form, and we have to arrange in a proper sequence. There are four options given, जिनमें से एक correct है. तो इतना पढ़ के और समझना कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, it's not easy and you don't have much time. तो कुछ techniques होते हैं जिसको वजह से पहले जो first sentence होंगे, मैंने इसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसको जो नहीं होने लायक है उसको हम काटते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन पी है, क्यू है, क्यू है, एस है, आर ऑप्शन नहीं है. तो इसका मतलब आर पहले ही कट गया, एक ऑप्शन निकल गया. अब आइए हम देखते हैं कि टॉपिक क्या है. ही टुक टू सिगरेट्स फ्रॉम माई केस. तो अगर हम देखते हैं कि एस को लेते हैं तो स्लोली ही टुक अ पुल एट इट. अब पुल माने खींचना. दो सिगरेट लिया बिना होंठ पर रखे, बिना जलाए, पुल कैसे लेगा? तो टुक अ पुल, इस हिसाब से ये कट जाता है, आर कट गया, एस कट गया, बचा पी एंड क्यू. अब वी हैव टू डिसाइड पी होगा कि क्यू होगा. तो आइए पी को लेते हैं. बट वेन द फिट, तो एस निकल गया, ये भी निकल गया, तो इसको हम लोग को अभी देखना नहीं है. फर्स्ट वो नहीं निकल गया, एक ऑप्शन छूट गया. अब देखना है क्यू भी है, दो क्यू है, एक पी है. अब इसमें से देखना है पी अगर हम लेते हैं, बट वेन द फिट ऑफ कॉफिंग वॉज ओवर. अब यहाँ सिगरेट अभी जलाया भी नहीं है तो फिट ऑफ कॉफिंग कहाँ से होगा? अभी सिगरेट केस से निकाला है, मुंह में रखेगा, जलाएगा, तब ना खींचेगा. तो नतीजा कि ये भी नहीं होगा. तो पी आपका ये भी कट गया, ये भी कट गया, हाँ. तो ऐसे तो नतीजा हम लोग को निकल गया. तो क्यू क्यू अब दो है, ये नहीं कटा है, ये है, ये है. तो अगर मान ले कि क्यू राइट आंसर है, ही लिट वन ऑफ देम, दो निकाला, एक को लिया, lit one of them and place them between the lips, जलाकर होंठ के बीच में रखा. तो Q से स्टार्ट है, मान लिए ये भी है, ये भी है. अब नेक्स्ट यहाँ P आता है, ये S आता है. अब देखते हैं कि S को लेकर slowly he took a pull, P को लेते हैं but when he the fit of coughing. अब ये पहला है कि क्यू से स्टार्ट है, ही लिट वन ऑफ देम, तो सिर्फ अभी जलाया है, कॉफ कैसे होगा? पहले खींचेगा तब ना कॉफ होगा. तो क्यू पी नहीं आ रहा है. देखते हैं एस आता है कि नहीं. स्लोली ही टुक अ पुल, जलाने के बाद धीरे से वो खींचता है. तो इसका मतलब ये ज़्यादा सूटेबल है एस, तो क्यू के बाद एस ज़्यादा सूटेबल है, हाँ. लेकिन अगर क्यू के बाद हम पी देखते हैं कि बट वेन द फिट ऑफ कॉफिंग, तो सिगरेट अभी जलाया है तुरंत बिना खींचे तो कॉफ नहीं होगा. तो इस वजह से इसको हम लोग रॉन्ग कहेंगे और एस को राइट कहेंगे. तो हम नतीजा देखते हैं कि अभी आर पी को डिस्कशन भी नहीं किए हैं और हम लोग कंक्लूजन पर आ गए. पी और एस के चलते हम लोग कंक्लूजन में आ गए कि पी राइट नहीं हो सकता है क्योंकि पी सेकेंड सेंटेंस नहीं हो सकता है. बिकॉज इट इज़ इन सीक्वेंस, जम्बल्ड सेंटेंस को हमें सीक्वेंस में तैयार करना है. तो सीक्वेंस में आने का मतलब है कि वन आफ्टर अनदर कुछ होना चाहिए. तो इससे तो हम निकल गए कि पी नहीं होगा क्यू के बाद, क्योंकि क्यू है कि पहला है, ही लिट वन ऑफ देम, उसके बाद खींचेगा तब ना कफ होगा, खाली जलाने से तो नहीं होगा. तो नतीजा कि पी रॉन्ग हो जाता है. अब एस देखते हैं कि करेक्ट है कि नहीं, लेट्स चेक इट. एस देखते हैं पी क्या है, क्यू है कि ही लिट वन ऑफ देम एंड प्लेस बिटवीन द लिप्स.
स्लोली ही टुक अ पुल एट इट एंड कॉफ्ड वायलेंटली, और खींचा, और खींचने के बाद बहुत ज़्यादा खांसी होने लगा। तो इसका मतलब ये ठीक है, एस टू क्यू एस ठीक है। अब आर पी में देखें, पहले आर होगा कि पहले एस होगा, तो ये अगर रॉन्ग हो गया तब तो हम लोग ब्लाइंड फोल्डेडली कह देंगे कि यही करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर, और आर को ऐसे कंफर्म हो लेते हैं। देन विद अ फीबल हैंड ही रिमूव्ड द सिगरेट, फीबल मैंने नाजुक हाथों से कॉफ आने लगा आस्ते से हटा लिया, और लास्ट में पी है। बट वेन द फिट ऑफ कॉफिंग वॉज ओवर, जब कॉफ बंद हो गया, खांसी आना बंद हो गया, ही रिप्लेस्ड इट बिटवीन हिज लिप्स, फिर वो सिगरेट को लिप्स के बीच में रखा, और लास्ट सेंटेंस क्या है, देन ही कंटिन्यूड टू ड्रॉ ऑन इट। तो ये हम देखते हैं कि लास्ट सेंटेंस से भी हम लोग लिंक करते हैं कि ये दोनों आर के बाद देन विद अ फीबल, ये रखते हैं ना, फीबल हैंड ही रिमूव्ड द सिगरेट, आर लिए, और उसके बाद हम पी पर आए लास्ट में, और पी के बाद सी सिक्स सेंटेंस ये होता है कि नहीं, बट वेन द फिट ऑफ कॉफिंग वॉज ओवर देन ही स्टार्टेड कंटिन्यू टू ड्रॉ इट, मतलब ये और ये भी मैच कर रहा है दोनों। तो नतीजा हम देखते हैं कि हम कई एक तरह से हम फिट करते हैं, फाइंड करते हैं कि दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द हाउ, दिस इज द ट्रिक। हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़े भी नहीं, और हम लोग को ये वी हैव टू कम टू द कंक्लूजन बाय कैंसलिंग, इसको ऐसे काट दिए, आर को ऐसे काट दिए, और तो ऑप्शन दो बचा। अब दो में भी ये होता है क्यू क्यू दोनों है, पी होगा कि एस होगा, अगर वन ऑफ देम करेक्ट तो आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। Time is precious. So if you like it, share among your friends and please subscribe to my channel so that I continue giving you nice videos which might help you in securing good marks. Thank you. Have a nice time.